अनुपमा बना पाएगी अपनी हैप्पी फैमिली, क्यों मेगा से बात करने जाएगी अनुपमा उसके घर, वनराज शाह ने किया करोड़ों का फ्रॉड। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राठौर और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया पर हमारा खास शो, जो आपको एंटरटेनमेंट की खबरों से गुदगुदाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। आज हम बात करेंगे अनुपमा सीरियल की। अनुपमा सीरियल के बुधवार के एपिसोड में सभी मिलकर भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे कि सब कुछ ठीक हो गया। उधर शाहनिवास में तपिश, डिम्पी, किंजल, मीनू और पाकी तोशु भी मिलकर यही लीला अकबर को समझाएंगे कि उन्हें जाकर बापूजी के साथ ही रहना चाहिए। बा इस बात पर विचार करना शुरू कर देंगी। लेकिन इसी बीच घर वालों पर धौंस जमाते हुए परितोष ये भी कह देगा कि लीला के आश्रम में जाकर रहने का मतलब है बिल्कुल भी नहीं होगा कि मीनू और तपिश को भी वहाँ जाने की छूट मिल जाए। तोशु भी ये बात किंजल और तपिश को खटक जाएगी। इसके बाद अनुपमा इधर आशा भवन में जब इंदिरा बेन अनुपमा से चलकर आराम करने को कहेंगी तो अनु कहेगी ठीक है, थोड़ा आराम कर देती हूँ क्योंकि फिर एक ज़रूरी काम पे जाना है। अनुज और बाकी लोग जब इस काम के बारे में पूछेंगे तो अनुपमा बताएगी कि उसे जाकर मेघा से मिलना है। मेघा का नाम लेते ही आध्या बेचैन उठेगी। तब अनुपमा उसे समझाएगी कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जाकर उससे मिलने और कुछ सवालों के जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनुपमा के साथ अनुज कबाड़िया भी चलने की बात करेगा और दोनों जाकर मेघा से मिलेंगे। वनराज शाह ने किया करोड़ों का घपला, इस बात में भी सामने आएगा। शाहनिवास में जब सब कुछ सामान्य चल रहा होगा तभी कुछ ऐसा होगा कि सबके होश उड़ जाएंगे। कई हट्टे कट्टे लोग कोट पैंट पहनकर घर में घुसेंगे और वनराज शाह के बारे में पूछने लगेंगे। तोशु उनसे अकड़ते हुए बात करेगा और कहेगा कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई बिना पूछे घर में घुसने की। ये लोग तोशु को धक्का मारकर गिरा देंगे और फिर बातचीत करने पर पता चलेगा कि वनराज शाह ने इन सभी बिल्डर्स के करोड़ों रुपए लेकर भाग गया है। ये सुनकर शाहनिवास के सभी सदस्यों के होश उड़ जाएंगे। लीलाबा इन लोगों पर गुस्सा करते हुए कहेंगी कि उसका बेटा शेर है, तुम लोगों के बारे में उसे पता चलेगा तो सबको कच्चा चबा जाएगा। घर में आए ये बिल्डर्स तोशु को गन दिखाएंगे और घर में तोड़फोड़ करेंगे। उनके जाने के बाद तोशु के दिमाग में वो सभी बात चलने लगेंगी जो उसने अपने पिता से कही थी। वो मनी मन कहेगा कि फ्रॉड करने में आप तो मेरे भी बाप निकले पापा। उधर मेघा से बातचीत करने में अनुपमा उसे समझाने में कामयाब रहेगी कि वो आद्या को इस घर में वापस ला सके और वैसे ही पाल रही थी जैसे परिंदा पिंजरे में रहता है। अब बाकी आगे पता चलेगा कि मेघा क्या समझ पाएगी अनुपमा की पूरी बात और क्या भूल पाएगी अपनी बेटी को। और वहीं वनराज शाह के अब और क्या क्या चिट्ठे खुलने हैं। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।